सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू फॉर द डे. सो आज के सेशन में मैं तीन टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा. आई एम गोइंग टू टीच यू थ्री टॉपिक्स. द फर्स्ट वन इज गूगल फायरबेस डीबी ऑपरेशंस एंड सेकेंड वन इज आर एंड्रॉइड नोटिफिकेशंस. The third topic is introduction to Kotlin. So when I'm saying introduction to Kotlin, it's gonna be a very quick introduction. कोई ज़्यादा बड़ी complexity नहीं रहेगी यहाँ पे. Okay. Now we'll start with Google Firebase DB operations. कल हम लोगों ने Google Firebase DB operation में दो चीजें देखी थी. So 1.1 we understood the module called authentication. So in this authentication module we understood how we can create user and how we can sign in user. ये कराजी practice करा हम लोगों ने. यूजर्स क्रिएट हुए आप लोगों के नहीं हुए? क्रिएट यूजर एंड साइन इन यूजर इज डन फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर मेनी पीपल. ओके गुड. सो लेट अस कम हियर एंड इन माय स्प्लैश एक्टिविटी. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि स्प्लैश एक्टिविटी में हम लोगों ने रजिस्टर यूजर एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल को फ्लो किया है. And in our register user activity, so very quickly I'll start the ABD as well. Register user activity, if you will click on the button, I will just come up and say register user in Firebase. So what does this mean? A new user will be created in the Firebase authentication module. सेम थिंग विच वी हैव डन यस्टरडे, राइट. तो इसको एक बार चला के देखते हैं. तो आई विल जस्ट ओपन माई फायरबेस कंसोल. सो लेट मी आस्क दिस पीपल इज ऑडियो वीडियो गुड टू गो. सो ये जी ऑरिबिसेस प्रोजेक्ट में वी हैव टू कम अप हियर इन ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल. तो ये यहां भी यूजर्स क्रिएट होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू कम एंड एग्जीक्यूट माय प्रोजेक्ट. जो कल किया था उसको बस एग्जीक्यूट करके देखेंगे आज. सो लेट अस रन दिस प्रोजेक्ट एंड नाउ आफ्टर एग्जीक्यूशन फेज we are going to create a new user in Firebase authentication module. ठीक है जी. तो ये क्लाउड में एक यूजर सेव हो रहा है हमारे पास. वी आर क्रिएटिंग अ न्यू यूजर इन द फायरबेस. लेट अस जस्ट वेट फॉर द ग्रैडल टू फिनिश द बिल्ड. Huge time. Okay, so here we are with the activity flow. Splash. After the splash, you got the registration screen. And यहां पे आई एम गोइंग टू एंटर सम डिटेल्स, राइट. सो लेट अस ट्राई टू राइट अ डिटेल किया. सो किया डॉट के एट सम एग्जाम्पल डॉट कॉम एंड पासवर्ड इज किया 123. नाउ व्हेन आई से रजिस्टर, सो रजिस्टर करने पे ये डायलॉग चलेगा. लेकिन एक छोटा सा काम ये है कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बाद सीधा एक एक्टिविटी खोल दी थी एंड दिस एक्टिविटी वॉज आर टेक क्रंच न्यूज एक्टिविटी.
नाउ यू विल सी जो यूजर है वो यहां पे क्रिएट हो चुका होगा. सो मैं यहां पे क्रिएटेड वाले को सॉर्ट करता हूं. सो kia.kk@example.com हैज बीन एडेड. नाउ फॉर द यूजर देयर इज अ यूआईडी. जैसे हर एक यूजर का एक रोल नंबर रहता है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, आप सबके रोल नंबर है, वैसे ही हर एक यूजर का फायरबेस ऑथेंटिकेशन में एक यूआईडी है. सो वी गॉट वन यूआईडी हियर. सो लेट अस कॉपी दिस यूआईडी हियर एंड आई एम जस्ट पेस्टिंग दिस यूआईडी हियर. सो दिस इज हाउ अ यूआईडी लुक्स लाइक, राइट? सो एवरी यूजर इन फायरबेस ऑथेंटिकेशन will have a UID, and this UID is something, it's gonna look like this. So I can say that this is something known as hash code. तो ये एक यूजर का हैश कोड है और हर यूजर का एक अलग हैश कोड होगा, ठीक है जी. लेकिन ये जो यूजर क्रिएट हुआ, मैं चाहता हूं इसकी डिटेल्स डेटाबेस के अंदर सेव हो. I want the data of this user to be saved in the database. Authentication module database नहीं है, ये table नहीं है. यहां पे सिर्फ और सिर्फ यूजर का ईमेल सेव होता है और यूजर का एक आईडी दिखता है हमको. डेटाबेस में डेटा सेव करने के लिए हमको यहां जाना पड़ेगा डेटाबेस में. यू सी ओवर हियर, आई विल गो टू द डेटाबेस. नाउ इन द डेटाबेस मॉड्यूल वी हैव टू डेटाबेसेस, वन इज क्लाउड फायरस्टोर, अदर वन इज रियल टाइम डेटाबेस. सो डेटाबेस में आगे फर्दर दो डेटाबेस हैं एंड वी हैव टू वर्क इन क्लाउड फायरस्टोर. वी विल नॉट बी वर्किंग इन रियल टाइम डेटाबेस. क्लाउड फायरस्टोर के ऊपर जाएंगे, सिलेक्ट कर देंगे इसको. सो इसके अंदर लेट मी जस्ट कम हियर एंड रिमूव सम ऑफ दीज कलेक्शंस. Just give me a moment. मेरे पास कुछ एक पहले सी चीजें बनी हुई है यहां पर, मैं उनको जस्ट डिलीट कर रहा हूं अभी. Okay. So now you see in the database, and the database is known as Cloud Firestore. This is no SQL database. So guys, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी जो next part है, we are going to explore something known as database. In database हम लोग चार चीजें पढ़ेंगे. Data insert कैसे करना है, update, delete and query. But the database which we are dealing here is known as cloud Firestore. This is no SQL database. So now there is a difference, right? What is the difference? In SQL database, we got relational database management system. उसमें tables थे, tables में rows थी. In NoSQL, we don't have tables. इधर tables नहीं होते हैं. So Google Cloud Firestore, we do not have tables और rows. इसमें tables and rows नहीं है. So Google का Cloud Firestore database कैसे काम करता है? ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे मेरा computer काम करता है. I mean to say जैसे मेरे computer का file system है. मेरे computer के file system में we have a folder and in the folder what do you save? A file or a folder. Hierarchy देखिए क्या है. सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई folder होगा root. लेट अस अज्यूम ये फोल्डर का नाम है म्यूजिक. सो म्यूजिक जो फोल्डर है इसके अंदर क्या होंगे, गाने होंगे. लेट से abc.mp3. तो ये म्यूजिक के अंदर है पहला गाना, देन सम सॉन्ग डॉट mp3 ये दूसरा गाना हो गया. ऐसे एक मूवी हो सकती है movie.mp4. अच्छा, इसी म्यूजिक के अंदर एक और फोल्डर हो सकता है जिसको मैं नाम दे सकता हूं जी हॉलीवुड. सो हॉलीवुड के अंदर एक गाना हो सकता है, लेट से pqr.mp3. देन देयर कैन बी सम xyz
dot mp3. Is the folder structure clear? Same way में Google Cloud Firestore काम करता है. ये जो folder है इसको हम लोग बोलते हैं collection. और ये जो file है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Document. So Google Firestore database कैसे काम करता है? It works exactly the way your file system works. In a file system, you create a folder. In the folder, you can either create documents or you can also create folders. Folder is known as collection and your files, they are referred to as documents. So remember कि आप किसके अंदर क्या चीजें बना सकते हैं. अब यहां पे हायरार्की क्या है? बेसिकली आपने अगर एक कलेक्शन बनाई, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आगे कलेक्शन हो सकती है. ये हायरार्की मैं भी आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे क्या काम कर सकते हैं. वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट. नाउ व्हाट इज अ कलेक्शन? यहां पे आएंगे अपने डेटाबेस में, आई विल से स्टार्ट अ कलेक्शन. तो ये मेरे फोल्डर का एक तरह से रूट डायरेक्टरी है. तो इसमें मैं एक फोल्डर बनाने जा रहा हूं एक तरह से. सो कलेक्शन का क्या नाम होना चाहिए? मैंने कलेक्शन का नाम रखा जी माय यूजर्स एंड आई विल से नेक्स्ट. तो एक कलेक्शन बन गई माय यूजर्स, यानी एक फोल्डर बन गया. अब उसके अंदर मैं एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूं. डॉक्यूमेंट में मैंने बोला तीन एट्रीब्यूट्स हैं. एक है नेम, नेम की वैल्यू आ गई जॉन, और नेम की टाइप क्या आ रही है? स्ट्रिंग. देन आई गॉट अ फोन नंबर, लेट से 9876598765, नॉट फोन, लेट से ईमेल. सिमेट्री ऐसे ही मेंटेन करके चलते हैं. सो ये ईमेल है. लास्ट में एक पासवर्ड था, सो पासवर्ड भी स्ट्रिंग है, लेट से John123. फिर मैंने कर दिया सेव. अब आप देखो यहां पे सिमेट्री क्या बन के आएगी हमारे पास. सो देयर इज अ कलेक्शन कॉल्ड माय यूजर्स. इन माय यूजर्स कलेक्शन आई गॉट अ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट हैज थ्री एट्रीब्यूट्स, ईमेल, नेम एंड पासवर्ड. यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं ये जो कलेक्शन है ये एक तरह से टेबल है और जो डॉक्यूमेंट है वो एक तरह से क्या है? रो है, जिसके अंदर क्या पड़ी है? वैल्यूज पड़ी है. एंड एवरी डॉक्यूमेंट हैज एन आईडी, वी कॉल दिस आईडी एज डॉक्यूमेंट आईडी. ये हर डॉक्यूमेंट का हैश कोड है. अगर मैंने एक और डॉक्यूमेंट एड करना है तो यहां जाके मैं बोल दूंगा एड डॉक्यूमेंट. इधर आके नाम दे देते हैं. सो लेट्स से नेम इज लियो, सॉरी फील्ड का नाम इज नेम एंड द वैल्यू इज लियो. ये बहुत ही आसान है, हैश मैप बना रहे हो आप की वैल्यू. सो आफ्टर नेम लेट्स हैव ईमेल leo@example.com. देन आई हैव पासवर्ड, लेट्स से leo123. आई विल से सेव. तो ये एक और डॉक्यूमेंट बन गया मेरे पास. फर्क क्या है? एक ही कलेक्शन में दो डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों का डेटा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन दोनों डॉक्यूमेंट्स दे आर डिफरेंट इन द वे ऑफ हैश कोड. गुड टू गो. कलेक्शन एज अ नेम, डॉक्यूमेंट्स दे हैव आईडीज एंड दे कंटेन्स डेटा. डॉक्यूमेंट्स विल कंटेन डेटा. ये आसान है जी. अच्छा ये जो यूजर है आगे, जैसे एक ये यूजर है, इस यूजर का नाम है जॉन. सो आई एम अज्यूमिंग जॉन रन्स अ कॉफी शॉप. जॉन रन्स अ कॉफी शॉप और उसके कॉफी शॉप में जो जो कस्टमर्स आ रहे हैं इसको उसका डेटा मेंटेन करना है. प्लीज अंडरस्टैंड द हायरार्की. देयर इज अ कस्टमर, देयर इज अ यूजर कॉल्ड जॉन, और जॉन के पास एक कॉफी शॉप है और उसकी कॉफी शॉप में जो जो कस्टमर्स आते हैं उसका डेटा मेंटेन करना है. तो मैं क्या करूंगा, जॉन के आगे जाके क्या कर दूंगा, एक कलेक्शन बना दूंगा. ये देखो मैंने जॉन सिलेक्ट किया हुआ है, जॉन में कलेक्शन बनाई, कलेक्शन का नाम रखा कस्टमर्स, और कस्टमर्स के अंदर कस्टमर का नेम ले लिया. लेट से द कस्टमर नेम इज सिया. कस्टमर का एक हमने फोन नंबर ले लिया. देन कस्टमर की हमने ईमेल आईडी ले ली, लेट्स से sia@example.com. देन आई विल से सेव. नाउ व्हाट यू सी इज जो मेरा जॉन नाम का कस्टमर है उसके पास एक कलेक्शन है. कलेक्शन का नाम क्या है?
कस्टमर रहे हैं और वो अपने कस्टमर्स को मेंटेन कर रहा है. सो आई हैव क्रिएटेड एन एप्लीकेशन, मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट करी हुई है और मेरी एप्लीकेशन में क्या होंगे, माय यूजर्स, मेरे यूजर्स. लेकिन मैंने अपने यूजर्स को फर्दर एक ऑप्शन दी है कि आप अपने आगे आगे कस्टमर ऐड कर सको, डेटा जितना मर्जी हो सकता है. या तो क्लियर हुआ कि नहीं जी, इज कलेक्शन डॉक्यूमेंट हायरार्की क्लियर? देयर कैन बी अ कलेक्शन विच इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट कैन हैव अ फर्दर कलेक्शन विच विल बी अगेन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट और नॉट? क्या ऐसे डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट? Hence, object-oriented programming structure was very much important for us. Hierarchy clear hogi? Now, this you guys can create yourself in Google Firebase. So, this is a very quick introduction to how we can come up and create database in Google Firebase. और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है as compared to RDBMS और SQLite. वो Java में जो आपने पढ़ा था वो मुश्किल था. At the same time आपने जो Android में पढ़ा था तो धुएं निकालने वाला था मेरे ख्याल से. नहीं, कंटेंट प्रोवाइडर ये तो आसान है. हमको क्या करना है, ये जो डेटा यहां पे हमने हाथ से लिखा वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन से आना चाहिए. डेटा शुड कम फ्रॉम द एंड्रॉइड एप्लीकेशन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव नाउ, राइट? सो आवर वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट वी नीड टू कम अप एंड परफॉर्म एन ऑपरेशन कॉल्ड इंसर्ट. डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, लेट अस सी दैट. How to insert the data? So, यहां पे हम लोगों के पास documentation है. ऊपर देखेंगे link आ रहा है go to docs. इस पर मैं क्लिक करूंगा go to docs पे. ये यहां पे आ रहा है link go to docs. Database की documentation यहां पे खुल जाएगी. So, here we are with the Android and we see cloud Firestore. So, they say get started. शुरुआत कहां से करनी है, गेट स्टार्टेड. कल भी हमने पढ़ा था ऑथेंटिकेशन के लिए. सो गेट स्टार्टेड में सो दे से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट अप दिस इंप्लीमेंटेशन. सो आई कॉपी दिस. ये चीज कहां पे पेस्ट होती है, बिल्ड डॉट ग्रैडल फाइल, नॉट इन द मैनिफेस्ट फाइल. सो इन द बिल्ड डॉट ग्रैडल फाइल आई एम गोइंग टू कम हियर एंड से कंट्रोल वी एंड सिंक नाउ. So, मेरे पास मेरे डेटाबेस के साथ काम करने के लिए फायरबेस फायरस्टोर लाइब्रेरी ऐड हो रही है, ठीक है? सो लेट दिस गेट एडेड. इन द मीन वाइल डॉक्यूमेंटेशन में जो नेक्स्ट चीज है वो क्या लिखा रहा है, एड डेटा. डेटा कैसे ऐड करना है उसके तरीके हैं और वो तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है. डीबी डॉट कलेक्शन यूजर्स डॉट एड, यूजर इज द ऑब्जेक्ट. आगे सक्सेस लिस्नर या फेलियर लिस्नर. सो लेट अस ट्राई टू क्रिएट दिस एंड सी हाउ इट्स गोना वर्क फॉर अस. सो इसको ग्रेडल को पहले एड करने देते हैं. इट विल बी डाउनलोडिंग दिस लाइब्रेरी फॉर अस फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो एक और छोटा सा हम लोग यहां पे स्ट्रक्चर देखेंगे. जब मैंने अपने फायरबेस में यूजर को ऐड किया था ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में, ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में जो मैंने यूजर को ऐड किया था उसकी ये डॉक्यूमेंट आईडी थी, सॉरी यूजर आईडी, राइट और नॉट? सो ये यूजर आईडी मैंने कॉपी करी यहां से, कॉपी द यू आईडी. अब मैं अपने डेटाबेस में गया, मैंने सोचा कि जो मैं यूजर बना रहा हूं, जो भी मैं कोई यूजर ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में क्रिएट कर रहा हूं, लेट मी गो टू दिस फायर स्टोर. सो ये कलेक्शन है माय यूजर्स. क्यों ना मैं यहां पे एक डॉक्यूमेंट बनाऊं लेकिन उसकी आईडी में क्या बना दूं, यू आई डी. ये जो डॉक्यूमेंट की आईडी है ये क्या बन गई, यू आई डी. ये यू आई डी किसकी है, इट मीन्स वॉट कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरे यूजर का डॉक्यूमेंट है. कुछ समझ आया क्या कर रहे हैं हम लोग? टिपिकली जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हो डॉक्यूमेंट का एक आईडी अपने आप बनता है, ये आईडी हैश कोड है एंड दिस हैश कोड इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि जब भी कभी मैं कोई यूजर का डॉक्यूमेंट बनाऊं
यहां पे मैं जो ऑटो आईडी है इसकी जगह मैं क्या डाल दूं, यूजर का आईडी। तो अब मैं अगर नेम को सेव करूंगा एंड देन आई विल से ईमेल kia.kk@example.com एंड देन आई विल से पासवर्ड एंड दिस वैल्यू गोज लाइक kia123। तो अब मेरे को थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी इस तरीके से है कि अभी वाला जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, इस डॉक्यूमेंट की जो आईडी है वो डिनोट कर रही है कि ये डेटा किसका है, लेकिन जो पहले वाले मैंने दो डॉक्यूमेंट बनाए वो रैंडम बने हुए हैं। कुछ लॉजिक समझ में आया? आपने अपने ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में एक यूजर क्रिएट किया, वो जो यूजर क्रिएट किया उसकी आईडी से ही आपने डेटाबेस में डेटा सेव किया ताकि आपको पता हो किस यूजर का डेटा है, नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा किस यूजर का डेटा है वो। क्लियर टू लेयर और नॉट गाइस? नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, इन माय रजिस्टर यूजर एक्टिविटी, जब भी कभी आप यूजर को रजिस्टर करेंगे तो मैं अभी इंटेंट के साथ नई एक्टिविटी में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू द न्यू एक्टिविटी। मैंने एक और फंक्शन बनाया void save user in Firebase, मैं चाहता हूं यूजर को Firebase में सेव करें। सो इधर से आके मैंने बोल दिया जी सेव यूजर इन Firebase। नाउ यू नीड टू सी द कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बटन पे जब क्लिक किया, सो मैं डेटा एक ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूं, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल एंड यूजर डॉट पासवर्ड। फिर आप क्या कर रहे थे, डायलॉग को चला रहे हो, देन यू आर सेइंग रजिस्टर यूजर इन फायरबेस। रजिस्टर यूजर इन फायरबेस में आपने कौन सा मॉड्यूल लिया, फायरबेस ऑथेंटिकेशन। और यहां पे आपने क्या किया, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। सो इधर जब यूजर क्रिएट हुआ, अगर टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मैंने क्या बोल दिया, सेव द यूजर इन फायरबेस। अब आ जाते हैं इधर सेव यूजर इन फायरबेस, इसमें मैंने बोला जी फायरबेस यूजर, फायरबेस यूजर इज फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट द करंट यूजर। आपने जो यूजर बनाया उस यूजर का रेफरेंस आ गया एंड उस यूजर की जो यूआईडी है वो आपने गेट कर ली फायरबेस यूजर डॉट गेट द यूआईडी। सो दिस इज यूआईडी ऑफ यूजर विच वी हैव जस्ट क्रिएटेड। सो आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट में जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ है या जिस यूजर ने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी अगर आपको यूआईडी चाहिए हो, दो लाइनों का कोड, फायरबेस ऑथेंटिकेशन से करंट यूजर गेट करो और यूजर से क्या निकाल लो, उसकी यूआईडी। गुड टू गो, यूआईडी आ गई मेरे पास। यूआईडी आने के बाद आई विल से फायरबेस Firestore। Now, what is Firebase Firestore? It is database। ये जो आप database यहां पे आ रहे हैं इधर देखे, तो database में आके we were using this cloud Firestore। और मैंने go to docs में जाके check करा था, तो ये जो database है इसकी library जो है, this is your Firebase Firestore। So, Firebase Firestore किस तरह से बनेगी, Firebase Firestore let's say DB is Firebase Firestore dot, यानी कि एक सिमेट्री बन गई है। पहले कल हमने ऑथेंटिकेशन भी ऐसे किया था, आज डेटाबेस भी ऐसे ही गेट कर रही हो। नेक्स्ट क्या है, DB dot collection, collection का मैंने नाम दिया यूजर्स। अच्छा, अब मेरे डेटाबेस में कोई कलेक्शन है यूजर्स नाम की, है कि नहीं है जी, माई यूजर्स है, यूजर्स नहीं है। सो यहां पे व्हेन आई एम सेइंग डीबी डॉट कलेक्शन यूजर्स, इट मींस अगर तो कलेक्शन एग्जिस्ट करती है
उसके अंदर जाओ, अगर नहीं करके तो नहीं बना दो। डॉट डॉक्यूमेंट, लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट? यूआईडी। इसका मतलब यह हुआ एक डॉक्यूमेंट बनाओ, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का आईडी क्या होना चाहिए? यूआईडी। ये यूआईडी किसका आईडी है? करंट यूजर का। आगे मैंने बोला जी डॉट सेट यूजर, क्या बात है, एक लाइन का कोड। उस डॉक्यूमेंट में क्या सेट कर दो? यूजर। एंड व्हाट इज यूजर? विद द डेटा नेम ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा ये यहां पे क्या यूजर सेव हुआ कि नहीं हुआ? डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्नर दिस कॉमा न्यू ऑन कंप्लीट लिस्नर, सेम कल वाला कोड। इसके अंदर क्या आ रहा है? टास्क आ रहा है जी, इफ टास्क इज सक्सेसफुल और यू कैन इवन चेक फॉर द कंप्लीट, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और अगर मेरा टास्क सक्सेसफुल या कंप्लीट है, दोनों में से कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, तो हमने क्या करा? इंटेंट बनाया और एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, और करंट एक्टिविटी क्या कर दी? फिनिश। समझ गए? डेटा सेव करना कंटेंट प्रोवाइडर से तो बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं? कि मुश्किल है ये? एंड व्हेन इट इज कंपेयर टू कंटेंट प्रोवाइडर, इन द कंटेंट प्रोवाइडर यू आर स्टोरिंग द डेटा लोकली एंड हियर यू आर स्टोरिंग द डेटा इन द क्लाउड, ह्यूज डिफरेंस। नाउ लेट अस रन द सेम कोड एंड सी कि क्या फायरबेस ऑथेंटिकेशन में यूजर ऐड होता है एट द सेम टाइम, कि क्या वो यूजर का डेटा क्लाउड फायर स्टोर में सेव होता है। सो विल सी टू थिंग्स टूगेदर। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू दिस ऑथेंटिकेशन। अब यहां पे इस कोड को रन कर देते हैं। सो आई कैन इवन से प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस, ठीक है, ये एक लाइन भी लिख सकते हैं। अगर डायलॉग चल रहा है तो क्या हो जाए? डिसमिस हो जाए। एंड ऑफकोर्स आप इसका एल्स पार्ट भी बना सकते हैं। मैंने इसका सिर्फ इफ पार्ट लिखा है, सो इसका ये जो एल्स पार्ट है दैट विल बी लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। सो लेट अस नाउ सी द बिल्ड हाउ इट्स गोना वर्क फॉर अस। मेरे पास यूजर आईडी आ गई ना गाइस, ये क्लियर हो गया, आई हैव द यूजर आईडी। कैसे यूजर आईडी निकालनी है? ऑथेंटिकेशन से करंट यूजर निकालो, वो यूजर निकलेगा और यूजर की क्या निकालेंगे? यूआईडी। सो नाउ आई विल रजिस्टर। रजिस्टर करने पे यूआईडी मिलेगी और यूआईडी के साथ हम लोग क्या करेंगे? यूजर का डेटा डेटाबेस में सेव करेंगे। एंड आई कैन डू वन मोर थिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये व्यू कंट्रोलर में एड कस्टमर एक्टिविटी बनाई थी और इसके मॉडल में था जी कस्टमर विद नेम फोन एंड ईमेल, तीन चीजें थी, ठीक है, मेन। तो मैं ये एड कस्टमर एक्टिविटी खोल दूंगा उसके लिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज रजिस्टर यूजर से न्यूज एक्टिविटी नहीं खोलते, क्या खोल देते हैं जी? एड कस्टमर एक्टिविटी, एक ही बात है, एक्टिविटी चेंज कर दी हम लोगों ने। सो दिस एप्लीकेशन, अब जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूं वो एप्लीकेशन क्या है? अगर आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर करोगे तो आपकी मैं डिटेल्स अपने डेटाबेस में सेव करूंगा कि आप कौन हो। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप अपने अपने कस्टमर्स को ऐड कर सको। सो मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो एक हर रेस्टोरेंट यूज कर सकता है कि भैया आप रेस्टोरेंट एज अ रेस्टोरेंट साइन अप करो, फिर आपके पास जो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनका डेटा ऐड करते जाओ। मैंने ऐसा कुछ ऐप बना दिया, अब देखते हैं। तो कर दिए क्या दोबारा से एग्जीक्यूट?
Okay, let's see, guys. What has happened? Okay, let's have a look, guys, quickly. So ye aa gaya ji splash activity. Let us enter the records. So let us put this record as James with the email as james@example.com and james123 is the password. I'll say register. So please wait. मेरा तो मेरा राइट जी. सो आप देखेंगे उसके बाद हम लोग कहां नेविगेट कर गए हैं, एड कस्टमर एक्टिविटी पे. नाउ लेट्स कम हियर. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस क्रिएटेड. सो यहां पे क्या लिखा आ रहा है, james@example.com. यहां पे आईडी आ रही है जेम्स की. अच्छा, जेम्स की आईडी देख लो कहां से शुरू होती है. चलो यहां पे लिख देते हैं एक बार. सो ये जेम्स का आईडी है. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम यू एंडिंग इन वन. यू जेड एस से शुरू हो रहा है, KL1 पे खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा सा आईडी है इसका. अब हम लोग अपना डेटाबेस खोलते हैं. डेटाबेस, इन द डेटाबेस वी हैव टू चूज क्लाउड फायर स्टोर. इन द क्लाउड फायर स्टोर हमने एक कलेक्शन बनाई थी माई यूजर्स. दूसरी कलेक्शन बन के दिखी अपने को, अपने आप आ रही, हमने तो नहीं बनाई थी ना ये. सो यूजर्स पे क्लिक किया, आगे डॉक्यूमेंट बना हुआ है. यस, ये डॉक्यूमेंट का आईडी देख रहे हैं हम लोग, वही आ रहा है यूज एड्रेस. और आगे क्या लिखा आ रहा है, ईमेल नेम एंड पासवर्ड. सो इट मींस वी हैव वेरी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अ यूजर एंड वी हैव एडिड द डेटा इन द डेटाबेस. अब मैं ये चाहता हूं कि जो जेम्स है उसका जो डेटा है, द डेटा ऑफ जेम्स, आई मीन जेम्स के जो जो कस्टमर्स हैं, वो जेम्स के आगे कलेक्शन बने कस्टमर्स, और उसके कस्टमर्स वहां पे क्या होते जाएं, सेव होते जाएं. गुड टू गो. एक और चीज भी है, अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट में एक बार यूजर को रजिस्टर कर लिया, बार बार तो रजिस्टर करूंगा नहीं. सो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर आके यहां पे एक चेक लगाऊंगा. देखिए वो चेक क्या है, फायरबेस यूजर इज फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट द इंस्टेंस डॉट गेट द करंट यूजर. ये कहां पे हमने चेक लगाया जी, ये कहां पे हमने कोड किया, स्प्लैश में. अगर तो फायरबेस यूजर नल नहीं है एंड द एल्स पार्ट. एल्स पार्ट का मतलब क्या हो गया, फायरबेस यूजर क्या है, फायरबेस यूजर आपको दो बारी में से कभी भी एक बार करने में मिलेगा, या आपने रजिस्टर किया हो या आपने लॉग इन किया हो. अगर आपने रजिस्टर या लॉग इन कर दिया अपनी ऐप के अंदर, तो ये जो यूजर की वैल्यू है नल नहीं होगी, इधर रजिस्ट्रेशन और लॉग इन. सो अगर ये नल नहीं है, मैंने हैंडलर को दो अलग अलग मैसेज भेजे, एक 111 एक 222. अगर तो वो नल नहीं है, 111 भेज रहा हूं तो डायरेक्टली कहां पे चले जाएगा, एड कस्टमर एक्टिविटी. और अगर दूसरा केस 222 का आ गया, सो इस टाइम पे हम लोग इसको कहां पे ले जाएंगे जी, रजिस्टर यूजर एक्टिविटी. अब अगर मैं अपने कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा, अब आप आउटपुट देखिएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ. यू आर लर्निंग द रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड. स्प्लैश, स्प्लैश से कहां आ गए, सीधा एड कस्टमर एक्टिविटी. यानी कि अब मेरे को बार बार रजिस्टर या लॉग इन नहीं करना. वन टाइम लॉग इन इंप्लीमेंटेशन फायरबेस के साथ बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ चेक करना है
यूजर नल है कि नहीं है। अब यहां पे जेम्स भैया अपना डेटा ऐड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स का। सो ऐड कस्टमर के क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, डेटा ऐड होना चाहिए। सो लेट अस कम हियर इन द ऐड कस्टमर्स एक्टिविटी। लास्ट टाइम बटन के क्लिक करने पे आपने कस्टमर का नेम, फोन, ईमेल उठाया था, ये कंटेंट प्रोवाइडर का कुछ कोड लिखा था बड़ा ज्यादा सारा, राइट। अभी मैंने एक फंक्शन बनाया void add customer in Firebase। मैंने बोला जब ये आपने कस्टमर का डेटा गेट कर लिया उसके बाद हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। कस्टमर का डेटा गेट किया बटन ऐड के क्लिक करने पे, जब डेटा आ गया उसके बाद हमने क्या चला देना है, ऐड कस्टमर इन फायरबेस। अच्छा फिर से आप क्या लगा सकते हो, प्रोग्रेस डायलॉग। प्रोग्रेस डायलॉग यहां पे क्यों लगाना है, क्योंकि इंटरनेट के कारण क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। अच्छा इंटरनेट के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सब कुछ थ्रेड बना के करना है अगर इंटरनेट का काम हो, लेकिन यहाँ पे तो थ्रेड बना ही नहीं रहे एसिंक टास्क, क्योंकि जो फायरबेस के आप एपीआईज यूज कर रहे हो वो बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनसली चलती हैं। ठीक है जी, हमको थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके सो इन द एड कस्टमर इन फायरबेस व्हाट आई विल डू, आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल फायरबेस यूजर, Firebase user is Firebase authentication dot get instance dot get the current user. Then user की UID निकाल लीजिए, Firebase user dot get the UID. Now I will create my Firebase Firestore. DB is Firebase Firestore dot get instance. DB dot collection users dot डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, विद द यूआईडी डॉट कलेक्शन कस्टमर्स डॉट एड कस्टमर। अब देखें जी क्या कर रहा है हम लोगों ने, सबसे पहले मैं गया, थोड़ा गलत कर दिया एक मिनट जरा, सो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट कलेक्शन Not at. Let us see what we have done. सबसे पहले मैं collection में गया users slash users slash UID slash अगर customers बनी हुई है तो उसमें exist कर देगा, नहीं तो नहीं बन जाएगी। और उसके अंदर आपने क्या add कर दिया, तो कितना आसान है यहाँ पे यार, ये English sentence है। अच्छा उसके बाद क्या है, dot add on complete listener this comma new on complete listener। So अगर तो task complete हो गया यानी कि customer add हो गया, if task dot is complete, इधर देखिए अगर task complete हो गया हम लोग क्या दिखाते थे, toast, और toast के बाद क्या करते थे, edit text को खाली। तो ये मैंने यहां पे सेम चीज कर दी, सिर्फ यहां पे एक इश्यू आएगा, ये जो दिस है यहां पे ये बन जाएगा एड कस्टमर एक्टिवेट दिस। सो कस्टमर डॉट नेम एडेड इन डेटाबेस और फील्ड्स क्या हो गई, ब्लैंक। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड वी विल नाउ सी हाउ द कोड विल वर्क फॉर अस। This is extremely wonderful concept of real-time application development. आपको अगर कोई project बनाना है so ये फटाफट से बन रहा है हमारे पास। अब सीधा देखो splash के बाद add customers activity आ गई। So let me add my customers now. ठीक है, मेरा पहला customer है राहुल, राहुल भाई का ये number है। So राहुल at gmail.com एड द कस्टमर। सो ये कुछ टाइम मैंने लोडर लगाया नहीं है, सो ये लोड होगा नहीं, लेकिन क्या लिखा गया, राहुल एडेड इन डेटाबेस। वो लोडर नहीं ना लगाया हमने, आप लोडर लगा सकते हैं प्लीज। तो मैं लगा ही देता हूँ यार, आप लोग ना प्रोग्रेस डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग इन इट व्यूज में प्रोग्रेस डायलॉग इज अ
न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, वेरी गुड, सबको याद है. डॉट सेट द मैसेज. कृपया रुकें, इंतजार करें. अच्छा, आप इसके ऊपर ये भी लिख सकते हैं सेट कैंसलेबल फॉल्स. इसका मतलब होगा अगर कोई बैक की दबाएगा तो ये डायलॉग बंद नहीं होगा. डायलॉग कब दिखाना है जी? जब आपने बटन पे क्लिक किया एड कस्टमर इन डेटाबेस चलाने से पहले. और खत्म कब करना है? जब ये सारा डेटा एड हो गया, शो एंड डिसमिस. ठीक है जी, अब इसको चलाते हैं और तीन चार कस्टमर दबा के ऐड करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक. ऑल राइट, सो लेट अस ऐड. राहुल ऐड कर दिया जी हम लोगों ने, हैरी ऐड करते हैं. हैरी एट सम याहू डॉट कॉम. एड कस्टमर, डायलॉग चला, हैरी एड हो जाएगा अभी. हो जा भी. ठीक है जी, फील्ड्स क्लियर होगी. सो मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं मेरी दुकान में. आई एम कीप ऑन, आई एम जस्ट डूइंग एडिशन ऑफ कस्टमर्स. द वे यू केम टू माई ऑफिस, आई रजिस्टर्ड यू ऑल राइट. सेम प्रोसेस, यू आर एडिंग द डेटा इन द डेटा बेस. और मेरा भी प्रोजेक्ट फायरबेस पे ही है सर. सो वी गॉट द प्रोजेक्ट डेवलप्ड इन फायरबेस. सो वट एवर द रिकॉर्ड्स यू आर गिविंग टू मी, आई एम सेविंग इन द सेम वे. सो लेट अस ऐड वन मोर रिकॉर्ड. सो आई विल ऐड माइक. माइक एट सम एग्जाम्पल डॉट कॉम. यू से ऐड कस्टमर. सो कस्टमर माइक ऐड हो गया जी. लेट्स कम हियर इन द यूजर्स. एक ही यूजर है अभी तक हमारे पास जी. ये यूजर पे गए, कलेक्शन बन गई कस्टमर्स. कस्टमर्स कलेक्शन में जाके आई गॉट थ्री डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट वन राहुल, डॉक्यूमेंट टू माइक, डॉक्यूमेंट थ्री हैरी. अच्छा, क्योंकि एट्रीब्यूट आईडी भी था सब में, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रही है. सो जो ऑब्जेक्ट में होगा वो ब्लाइंडली यहां पे सेव हो गया. कहानी खत्म. Hence, object-oriented programming structure is very important to understand what is Google Firebase. हाँ जी. दोबारा क्या करेंगे? Add करेंगे. तो नया add हो जाएगा. अगर same values के साथ दोबारा करोगे तो नया record add होगा. क्योंकि हर एक बंदे की UID क्या है? अलग है. ठीक है जी. So अब क्या होगा? ये जितने भी customers हम लोग यहाँ पे add करते जाएंगे, वो सारे customers add होते जाएंगे. लेकिन हर एक यूजर का अपना क्या हो गया? कस्टमर का डेटाबेस बन गया एक तरह से. डिड यू सी द डिफरेंस हियर? अब जो भी बंदा यहां पे बार बार आएगा उसका एक नया स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा. जैसे ऐड कस्टमर एक्टिविटी जो हमने बनाई, यहां पे कस्टमर्स आ रहा है. सो मैं एक और काम करता हूं. ये जो मेन्यू हम लोगों ने बनाई है कस्टमर्स की, या मेन्यू में मैंने एक और मेन्यू बनाई लॉग आउट. ठीक है जी, लॉग आउट इज दिस गाय 201. सो इन केस आइटम आईडी की वैल्यू 201 है. ठीक है जी, अगर क्या है 201 है. सो 201 मींस व्हाट? लॉग आउट. अभी तक तो लॉग इन किया है या रजिस्टर किया है उसने. सो आई एम गोइंग टू से फायरबेस ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन इज फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट द इंस्टेंस. ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट. कहानी खत्म. जब मैंने ऑथेंटिकेशन साइन आउट कर दिया तो मेरा फायरबेस यूजर क्या हो जाएगा? नल. ठीक है. So, इसके बाद मैंने बोला यहां से कहां पे जाओ? यहां से दोबारा चले जाओ. या रजिस्टर यूजर पे भी नहीं जाना, किस पे चले जाओ? स्प्लैश पे चले जाओ. और स्प्लैश पे जाने का मतलब क्या होगा? वहां पे चेक होगा कि यूजर नल है कि नहीं है. तो भी करके देखते हैं. सो ये साइन आउट करने का एक छोटा सा प्रोसेस है अगर आपने फायरबेस में ऐप बनाई है.
कल मैंने आपको लॉगिन करके दिखा दिया था और मैंने बोला लॉगिन आप खुद करें, मैंने रजिस्ट्रेशन वाला एक फ्लो बनाया लेकिन उसमें लॉगिन मैंने मिस कर दी है अभी, तो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो किस तरह से यूजर्स का डेटा सेव हो रहा है, ये लॉग आउट आ रहा है जी। सो लेट्स क्लिक ऑन लॉग आउट, स्प्लैश पे चलेंगे हम लोग। स्प्लैश से कहां आ गए, इट मींस फायरबेस यूजर क्या हो गया, नल हो गया। अब यहां पे कोई दूसरा यूजर बना लेते हैं, ठीक है जी। सो दूसरा यूजर बनाने के लिए इसका नाम रखते हैं जी फियोना। ओके फियोना एट example.com एंड फियोना 123। तो जो मैंने यहां पे ये नया यूजर बनाया फियोना और मैंने रजिस्टर किया, तो ये नया यूजर यहां यूजर्स के अंदर we'll just see, as of now it's not saved, अभी चल रहा है प्रोसेसिंग। ओके डिड यू सी द मैजिक, पीछे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया रिकॉर्ड। तो ये फियोना का लिखा आ रहा है IFS, क्लिक करते हैं फियोना विद द डिटेल्स, ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में जाएंगे तो ये क्रिएटेड पे आके ये फियोना आ गई। अभी इसके डेटाबेस में देखते हैं जी फियोना का डेटा क्या है। सो इन द यूजर्स वी गॉट फियोना, फियोना हैज नो कस्टमर्स इफ यू कैन सी, राइट और नॉट। सो मेरे पास अभी नेक्स्ट ये यूआई खुल गई है तो मैं यहां से इसके कस्टमर्स ऐड कर सकता हूं। तो मैंने इसका एक कस्टमर ऐड किया किम, सो लेट्स से किम एट सम example.com एड कस्टमर। सो कस्टमर ऐड हो गया जी एंड कमिंग हियर, चलो भाई रिफ्रेश करें एक बार। ओके सो हियर यू आर विद द कस्टमर्स एंड फियोना के कस्टमर्स में एक ही कस्टमर है, वो कस्टमर है। अब मेरे पास यूजर्स में दो अलग यूजर्स हैं और दोनों के अलग अलग क्या हैं, कस्टमर्स हैं। आप ये भी कह सकते हो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे यूजर्स हैं और हर यूजर का क्या है, अलग अलग पोस्ट है कि नहीं, बन रही है सिमेट्री नहीं बन रही कुछ कुछ। फेसबुक पे बहुत सारे यूजर्स हैं, एमेजॉन पे बहुत सारे यूजर्स हैं लेकिन हर यूजर के अपने अपने ऑर्डर्स हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप, बचपन पढ़ा था अभी स्क्रीन विजिबल है भाई, तो ऑडियो पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग हमारे पास हो रही है, सो यू कैन एनी टाइम टेक द रिकॉर्डेड सेक्शन फॉर अस। सो मूविंग अहेड नाउ, जो मैंने यहां पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल क्रिएट कर दिया और डेटाबेस स्टोरेज क्रिएट कर दी, हम लोग ये चाहते हैं कि जो कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं वो कस्टमर्स क्या हो, रिट्रीव भी हो। वी वांट टू फेच द कस्टमर्स फ्रॉम द डेटाबेस। इन ऑर्डर टू फेच द कस्टमर्स फ्रॉम द डेटाबेस, यहीं पर देखेंगे आप एक ऑप्शन लिखा आ रहा है री डेटा, सो देयर इज नथिंग विच वी हैव टू यू नो वरी अबाउट। सो गेट द डेटा वंस, यहां पे रीड डेटा पे जाके क्लिक किया। सो दे से इट्स अ बेसिक अप्रोच हियर, लेट मी कम अप एंड शो दिस पार्ट हियर, नहीं यहां पर नहीं है, नास लाइक दिस db.collection.get, सिंपल डेटा गेट करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आती है, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप लोग रीड करेंगे। मैं आपको इसका थोड़ा सा कोड करके दिखाता हूं, यहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब अगर मैंने इस कस्टमर्स के ऊपर क्लिक किया, इफ आई क्लिक ऑन दिस कस्टमर्स, तो एक नई एक्टिविटी खुलेगी। लेकिन अभी जो नई एक्टिविटी खुलेगी हमारे पास
वो लोकल डेटाबेस से डेटा दिखा रही है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोकल डेटाबेस से डेटा ना आए। डेटाबेस कहाँ से आए हमारा? फायरबेस वाला। सो कमिंग बैक, आई एम जस्ट गोइंग टू एड फ्यू मोर डिटेल्स हियर, राइट? सो लेट्स से वी गॉट डैन विथ सम नंबर, नाम खतरनाक है, एड द कस्टमर। सो मेरे पास जी फियोना के लिए दो कस्टमर हैं अभी। सो इफ आई गो टू फियोना, इन द कस्टमर लिस्ट ऑफ फियोना वी गॉट टू कस्टमर्स, वी गॉट किम एंड डैन, दो कस्टमर्स हैं। तो ये दो कस्टमर्स इसके क्लिक करने पे यहां लोड होने चाहिए। सो हाउ वी विल डू दैट, इन ऑर्डर टू कम अप एंड डू दैट, हम लोगों को जाना पड़ेगा जी हमारी जो एक्टिविटी थी, दैट वाज आवर ऑल कस्टमर्स एक्टिविटी। अगर आप देखेंगे तो ऐड कस्टमर एक्टिविटी के मेन्यू के क्लिक करने पे हम लोग कहां पे जा रहे थे? ऑल कस्टमर्स एक्टिविटी। तो यहीं पे आ गए। ऑल कस्टमर्स एक्टिविटी में हम लोगों ने ऑन क्रिएट के अंदर आके एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया था, फेच कस्टमर्स फ्रॉम डेटाबेस। सो मैं यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं, void fetch customers from Firebase। तो ये चलाने की जगह आई कैन से fetch customers from Firebase। देयर इज स्मॉल डिफरेंस नाउ। अब Firebase से कस्टमर्स फेच कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को Firebase यूजर चाहिए। Firebase ऑथेंटिकेशन गेट इंस्टेंस गेट द करंट यूजर। ये यूजर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपको यूआईडी चाहिए, ठीक है जी। सो यूआईडी निकालने के लिए यूआईडी इज Firebase यूजर डॉट गेट द यूआईडी। तो आपको यूजर आईडी मिलेगा। यूजर आईडी मिलने के बाद आई विल गो विथ माई Firebase फायरस्टोर डेटाबेस इज Firebase Firestore डॉट गेट इंस्टेंस। अब डेटा फेच कैसे करेंगे? डीबी डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम यूजर्स, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का आईडी क्या है? यू आई डी। उसके अंदर एक क्या है? कलेक्शन, कलेक्शन का नाम कस्टमर्स। ये यहां तक समझ आया जी? ये पाथ है और कुछ भी नहीं है, दिस इज अ पाथ। गो टू यूजर्स कलेक्शन, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट में जाए और उसके डॉक्यूमेंट के अंदर फर्दर किस में जाए? कस्टमर्स में। वहां पर जाके क्या कर लें? गेट, गेट द डेटा। गेट द डेटा मीन्स जितने भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट है सारे क्या कर लो? रीड कर लो, गेट कर लो। आगे डॉट एड ऑन दिस कॉमा न्यू ऑन कंप्लीट लिस्ट, ठीक है जी। सो इट मीन्स कहीं पर भी अगर मेरे को Firebase को इस्तेमाल करना है, चाहे ऑथेंटिकेशन है चाहे मेरे पास डेटाबेस है, उसमें ये सिमेट्री सेम है, एड ऑन कंप्लीट लिस्ट। तो अब आप देखेंगे यहां के हिसाब से हमने सिमिलर कोड किया है। इधर उन्होंने कुछ और किया, जो उन्होंने कंडीशन लगाई है जहां पे क्या चीज मैच हो, हमने ये लगाया। नाउ दे से टास्क डॉट गेट रिजल्ट, और टास्क डॉट गेट रिजल्ट क्या दे रहा है? क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। अभी यहां पे हम लोग थोड़ा सा एक और टेक्निकल चीज देखेंगे। When I say task dot get the result, so get result में देखो आपको क्या मिल रहा है? Return क्या मिल रहा है? Query snapshot. So I need to come here and I will say query snapshot. Let's say snapshot. Task dot get result will give me query snapshot. Now I will say for document snapshot, document in the snapshots dot get the document. So what I am doing is मैं enhance form लगा रहा हूं। जब मैंने task dot get result किया तो ये जो snapshots हैं इसमें से मैंने सारे documents को read किया। ये तो task है, task में से मैंने query snapshot निकाला और query snapshot में से मैंने क्या निकाल लिए? सारे के सारे डॉक्यूमेंट। और मैं डॉक्यूमेंट में क्या कर रहा हूं? इटरेट कर रहा हूं। अब ये जो डॉक्यूमेंट, यहां पे जो डॉक्यूमेंट है, आई विल सिंपली से
customer CREF is document dot to object customer dot class. तो एक एक डॉक्यूमेंट जो फायरबेस में एडिट था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, कस्टमर ऑब्जेक्ट में। अच्छा, ये आपने एक एरे लिस्ट बना रखी थी कस्टमर्स, तो सेम एरे लिस्ट कस्टमर जो थी वो मैंने यहां पे इनिशियलाइज कर दी, और इस लूप के अंदर जो कस्टमर्स नाम की एरे लिस्ट थी उसमें क्या ऐड कर दिया, तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसमें ऐड हो गए, एरे लिस्ट में। और एरे लिस्ट में डेटा जब ऐड हो गया उसके बाद आपके पास गेम बड़ी सिंपल है जी, आप क्या कर देंगे, अडैप्टर बना देंगे। यहां पे सिर्फ ये है कि दिस नहीं आएगा, ऑल कस्टमर्स एक्टिविटी डॉट दिस आएगा। लिस्ट व्यू पे अडैप्टर सेट कर दे, लिस्ट व्यू के ऊपर लिस्ट आप लगा दे। सो लेट अस रन दिस कोड एंड नाउ विल सी कि किस तरह से आपका ये रिट्रीव ऑपरेशन काम करेगा। लेकिन ये रिट्रीव ऑपरेशन फायरबेस फायरस्टोर डेटाबेस से काम करेगा। सो स्प्लैश, आफ्टर द स्प्लैश आई गॉट दिस फॉर्म वेयर आई कैन एड कस्टमर्स। आई विल से कस्टमर्स, अब ये खाली आ रहा है क्योंकि डेटाबेस से डेटा फेच हो रहा है, डेटाबेस से डेटा फेच होगा कि मैन डैन। बैक चलते हैं जी। सो यहां पे आके डेटा कुछ और ऐड भी कर देते हैं, लेट्स ऐड वन मोर रिकॉर्ड, लेट्स से जिमी। जिमी एट याहू डॉट कॉम। देखो जी, एड कस्टमर, सो ये जो कस्टमर एड हो रहा है ये फियोना का कस्टमर है, एंड फियोना कैन चेक हर कस्टमर्स फ्रॉम द कस्टमर्स लिस्ट। आगे देखो, प्लीज प्लीज टेंशन नहीं, अभी जिमी पे क्लिक किया, क्या बात है, ये तो पुराना ही कोड चल रहा है, तो नया बनाया नहीं। व्यू पे क्लिक करने पे क्या हुआ, जिमी की डिटेल्स व्यू होगी, आईडी जीरो ही होगा इन लोगों का। अच्छा, किम के क्लिक करने पे आई कैन परफॉर्म स्ट्रक्चर कॉल, कॉल ये हमने पढ़ा हुआ है, किम को कॉल हो गई। सेम पुराना ही कोड चल रहा है, इसमें दो चीजें जो हैं वो डिफरेंट है, एक है डिलीट एंड एक है अपडेट, राइट जी। सो डिलीट एंड अपडेट के लिए जो डिलीट ऑपरेशन है वो पूछ रहा है डिलीट डैन। अब आप बताएं, अगर मेरे को डिलीशन करनी भी हो, लेट अस अज्यूम फॉर द डिलीशन पार्ट, डिलीट क्या करना है, कस्टमर डिलीट करना है, और अपडेट भी क्या करना है, कस्टमर अपडेट करना है। सो यानी कि डिलीट और अपडेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कस्टमर का आईडी चाहिए। सो जब भी कभी आप लोगों के पास ये कस्टमर आप लोग ऐड कर रहे हैं, इसी डॉक्यूमेंट में से आपको एक आईडी मिलेगा, एक आईडी मिलेगा। ये आईडी पता है कौन सा आईडी है, इधर देखिए, दिस आईडी बिलोंग्स टू दिस कस्टमर। समझ आ रही बात, ये जो आईडी है यहां पे, दिस इज द आईडी विच यू आर एबल टू गेट। सो इसको आपको अलग से कहीं सेव करना है। सो दिस इज आईडी ऑफ कस्टमर। अब डेटाबेस से डेटा डिलीट कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है, मैं आपको एक मिनट में बता दूंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है ज्यादा काम। सो वी गॉट दिस डीबी डॉट कलेक्शन यूजर्स डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या डाल दिया, डॉट खत्म काम। आगे क्या लगा सकते हो, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर, एक लाइन का कोड बता दिया, ये करेंगे खुद आप लोग। जहां से भी डिलीट करना है आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट का यू आई डी चाहिए। आगे देखे ना, यू आई डी नहीं, ये तो फिर आगे वाले कस्टमर्स का हो गया ना,
ये तो आप लॉजिक लगाओ बाकी थोड़ा बहुत. डीबी डॉट कलेक्शन यूजर्स डॉट डॉक्यूमेंट यू आई डी डॉट अपडेट. अपडेट भी नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, सेट लिख देंगे. जो मैंने एड कस्टमर एक्टिविटी में जो फंक्शन चलाया, कहां गया रजिस्टर में, आपने ये चीज यहां पे चलाई थी गाइस, हो गया ये रहा सेट द यूजर. ये सेम फंक्शन अपडेट भी कर देगा, गेम ओवर. आपको क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको अपडेशन करनी है या डिलीशन करनी है, आपको यूआईडी चाहिए. ये यूआईडी तो बड़ा आसान है निकालना, लेकिन जो ऑल कस्टमर्स एक्टिविटी में ये यूआईडी है, यहां पे निकलता है इस तरीके से. सो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो मेरा कस्टमर का ऑब्जेक्ट था, इस जगह पे मॉडल में ये जो मेरा कस्टमर ऑब्जेक्ट है, इसमें आईडी को मैं क्या बना सकता हूं, स्ट्रिंग बना सकता हूं. ठीक है जी, सो आई कैन क्रिएट दिस आईडी एज स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग आईडी हो गई इंटीजर की जगह. भैया मेरा कंटेंट प्रोवाइडर का कोड नहीं चलेगा. तो ऑल कस्टमर्स एक्टिविटी में ये जो मैंने आईडी निकाली, सो ये आईडी हम लोग क्या कर देंगे, सीरेफ डॉट आईडी. तो सीरेफ डॉट आईडी में जो वहां पे डेटाबेस में कस्टमर्स कह रही थी वो आ गई आपके पास, खपत आ गई. अब आप डिलीट कैसे करेंगे, ये तो यूजर को डिलीट करने की और अपडेट करने की ऑप्शन आ गई. नाउ आई कैन से डीबी डॉट कलेक्शन यूजर्स डॉक्यूमेंट यू आई डी डॉट, आगे फिर से कलेक्शन कस्टमर्स, आगे डॉट डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट हो जाएगा वो, सीरेफ डॉट आईडी. लेकिन वो आपको अलग से ऑप्टेन करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना. ये बेसिकली सीरेफ नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी किसी भी लिस्ट के ऊपर जब आप क्लिक कर रहे हो, किसी भी लिस्ट पे आप क्लिक कर रहे हो, क्या मिल रहा है, कस्टमर मिल रहा है. तो यहां पे ये जो हमारे पास आईडी होगा, इस जगह पे डिलीट करते वक्त ये क्या बन जाएगा, कस्टमर डॉट आईडी. सेम वे यू कैन डू एन अपडेट ऑपरेशन. तो आपका डिलीट और अपडेट आप यहां पे खुद करेंगे अब, ठीक है. हिंट मैंने आपको दी है कैसे करना है. एंड ऑफ कोर्स अब जहां जहां पे ये वाला इंटीजर वाला पुराना कंटेंट प्रोवाइडर का कोड था, वो हमारे काम का नहीं रह जाएगा. यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज नॉट एन एरर. सो नाउ इन केस यू वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन एंड्रॉइड फॉर योर कॉलेज सबमिशंस स्पेशली, यू नीड टू यूज योर फायरबेस डेटाबेस. आप कॉन्टेंट प्रोवाइडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉन्टेंट प्रोवाइडर इज लोकल स्टोरेज. एंड इट वॉज वे मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस, एंड दिस इज वे मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, राइट. सो यहां पर जी मैं कोड, ये वाला जो कोड है इसको मैं अभी पुश कर रहा हूं. सो इफ यू वांट यू कैन रिव्यू द कोड. आफ्टर रिव्यूइंग द कोड वी विल हैव अ मतलब स्मॉल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा 5-10 मिनट का, फिर अगला पार्ट शुरू करेंगे. सेशन नंबर 19, फायरबेस फायरस्टोर. हो गया